तुम दोनों की खेल घंटी अभी तक चालू है? मास्टर जी, मैं तो क्लास में जाने वाला था, रघु ने मुझसे खेलने को कहा। मैंने कहा? नहीं नहीं मास्टर जी, ये झूठ बोलता है। नहीं मास्टर जी, रघु ने ही कहा। चुप। फिर मार पड़ी, बोलता क्यों नहीं? रघु, रघु। जी जी, भूख लगी है। कुछ खाया नहीं सुबह से? अच्छा ये ले 1 रुपया और बिस्कुट खा लेना। बालू को भी 1 टॉफी दिला देना और आठाना वापस लेके आना। ये टॉफी और ये बिस्कुट। आठाने रुपया घर पे रह गया होगा, जा जा खेले जा। लाला हा? 1 रुपए के कंचे तो देना, ये सिक्का मुझे सड़क पर मिला। ये मेरा है। अपना काम कर। पहले मेरा सिक्का छोड़। ये ले तेरा बया सिक्का। हट। अरे बस भी करो, छोड़ो उसको। तू हट, मैं मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे गलती से कहीं गिर गया होगा रास्ते में रुपया। अरे झूठ बोलता है ये, इसने जरूर खर्च कर दिया है रुपया। जा अब बाहर जाकर पढ़, जितना पढ़ना है पढ़, बाहर जाकर। वो कभी नहीं आएगा इस घर में। रघु, मुन्नी, रघु इतनी रात में ये बस्ता रख लेगी? क्यों, तूने घर छोड़ दिया? हाँ, मुझे जीजा ने घर से निकाल दिया। फिर अभी? मैं वेणु गणेश के साथ रहूंगा। क्या कहा उसने? उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब उन्हें लेटर में लिखा था कि दोषी होटल में ईरानी से पूछ लेना नाल बनाने वाला कहाँ रहता है, वो जग्गू का पता बता देगा। टूरिस्ट है, आराम लाउज में ठहरे हैं। अच्छा चलता हूँ। अच्छा मगर भाई, ए रघु, इतनी रात में कहाँ से आ रहा है? वेणु गणेश की खोली पर गया था। जग्गू था वहाँ? नहीं, डिब्बे पर ताला लगा था। तुम नीले बालों वाली बुढ़िया हो ना? तो मुन्नी ने बताया था तुम जिसको दिखाई देती हो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं तुझे देती हूँ रुपया, लेके घर चला जा। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। मतलब तुझे अकेला देखकर यहाँ बैठ गई थी, वरना मैं तो जा रही थी अपने रास्ते। हाँ हाँ तो जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। हाँ तुझ पे तरस आ रहा है, इसीलिए ये कोट देकर जा रही हूँ। ठंड लगे तो पहन लेना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोट। चल 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 फुट। ए, देखता क्या है? चाय मिल सकती है? रुपया है जेब में? कुछ नहीं। वेणु गणेश। ए रघु, अरे वाह रघु, तू तो पहचान में नहीं आ रहा है। ये सब मैंने नया खरीदा। पैसे? पैसों की कमी नहीं मेरे पास। आज तुम जो कहोगे वो तुम्हें खिलाऊंगा। चलो चलो। एक बिता जूते में, एक बिता हाथ में। अबे ओए क्या मांग रहे हो? 1 रुपया क्या फोकट में लिया था? ले लो रुपया। आज के बाद मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा। हाँ। और जब गुस्सा तो पैसे भी मैं दूंगा रहने के लिए। चलो चलो चलो। कौन से तू? अबे होए, अबे सुनो। रंग बिरंगी मीठी गोली, लाल गोली पीली गोली, ये लो पैसा भर ले झोली। बोलवा और क्या लेगा, डरना मत हम पैसे देगा। ये है हमारे रघु श्याम, ये है हमारे रघु श्याम, कलम तलम रघु श्याम।
क्या सेट? ए जग्गू कब आया रे तू? अरे देख यार, देख यार तू। अरे चल ले ले यार ले। आठ दस रोज से किधर था वो मगन हवलदार? रोज आके मेरे को परेशान करता है। अरे हवलदार को मार गोली यार। ये बता तीन लोग मेरे को पूछने आए थे क्या? अरे हाँ वो तीन लोग भी घड़ी घड़ी हैरान करने आते हैं। वो क्या कह रहे थे वो गोली की दाल? कौन लोग हैं ये? अरे मेरे आदमी है यार, मैंने उनको बुलाया था, पर अभी क्या मेरे को उनकी जरूरत नहीं है। कोई पूछे घोड़ी की नल किधर बनती है बोल, मालूम नहीं। एड्रेस देने का नहीं, फालतू में टीडी देना पड़ेगा। और तेरे रहने की जगह उन्होंने ढूंढ लिया, फिर क्या करेगा? अरे अभी अपन चला दूसरे गांव, चाबी बनाने का धंधा शुरू करेगा। मेरा पैसा सेठ कमाई होगी दे देगा, बहुत माल खाया तूने। और सुन हवलदार को बोलना मैं उसका पैसा वैसा नहीं देने वाला। ठीक है। ए जग्गू वो तीनों आ रहे हैं, मैं पीछे से होके निकलता हूँ। कौ सेठ? सलाम सेठ। वो घोड़े की खाल वाला, घोड़े की नाल वाला मिला? मिलेगा भी नहीं सेठ, तुम खाली फोकट में इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो वो छोकरा अब नहीं मिलने वाला। लेकिन उसका मिलना बहुत जरूरी है, उसे मालूम है जग्गू कहाँ है। अरे मैंने उसके मुंह से जग्गू का नाम सुना है। मतलब ये हम उस छोकरे को सारी बंबई में ढूंढते फिरे, खैर इसी में है, यहाँ से लौट चले। अरे नहीं नहीं मुझे मालूम वो कहाँ है। चलो चल। अरे चलो तो सही। तुम जग्गू तुम्हें सचमुच नीले बालों वाली बुढ़िया मिली? हाँ। मैं हाथ डाल के देखूं तेरी जेब में? नहीं मैं बताता हूँ। क्या? मैं क्यों नहीं देख सकती? मैं बता रहा हूँ ना तुझे, रुपया निकाल कर। नहीं मैं अपने हाथों से निकालूंगी। अच्छा एक बार बस। अरे रघु तेरा कोट तो सचमुच जादू का है। ये लड़का इस वक्त हमारे बड़े काम आ सकता है। He's a golden boy. ठीक है, कली उसे दबोच कर उसे खजाने का पता पूछ लेते हैं। बिल्कुल हाँ। बस चाकू को देखकर वो सब कुछ उगल देगा। जग्गू सर आए नहीं अभी तक? जग्गू सर को देखने नहीं आए? फिर काजल कह रहा था तेरे पास और पैसा है? हुँ? कितना? अरे एक एक रुपए के सिक्के कहीं जमा करके रख रखे होंगे ना? बता दे। बोलो। बताता हूँ। शाबाश। मैं जितने के एक रुपए के सिक्के चाहूँ उतने मैं निकाल सकता हूँ। कहाँ से? कोर्ट से। कोर्ट से? फुल जा सिम सिम। पहले मैं निकाली बात, फिर मैं निकाली बात। चलो निकालो। आजा आजा आजा। अगर इस लड़की ने तब हमारे सामने से एक एक रुपए के सिक्के निकाले थे तो फिर यहाँ क्यों नहीं निकले? कोर्ट का जादू ऐसे नहीं चलता। कैसे चलता है? जब वो लड़का कोर्ट को पहनता है। अरे बड़ी गलती हो गई, तब तो हमको उस लड़के को ही किडनैप कर लेना चाहिए था। अरे अरे नमस्ते। तुम लोग वाकई टूरिस्ट हो? हाँ, हम लोग तो आज वापस भी जा रहे हैं। उस बच्चे का कोट चुरा के? कोट? कौन सा कोट? हमने तो कोई कोट नहीं देखा। हाँ हम कोट को क्या करेंगे? कोट दे लाओ। वो रहे मगन मामा, मगन मामा, मगन मामा, मगन मामा। कोट मिला मगन मामा? उठा ही नहीं उनके पास। चलो फुटे यहाँ से, लॉज के बाहर क्या भीड़ लगा रखी है। चलो बुरा कोट। क्या हुआ? इसमें से रुपया नहीं निकला। निकलेगा कैसे? तुम हमेशा बेसिर पैर की बातों पर यकीन कर लेते हो। मुझे उन्होंने यही कहा था। किसने किसने कहा था? रघु और वेणु ने। उठाकर बाहर फेंको इसे, वरना लोग कहेंगे एक हवलदार ने बच्चे का कोट चुरा लिया। अब दिखा रुपया निकाल कर।
पहले देखो यहाँ आसपास कोई है तो नहीं। खैर मत निकाल सिक्के। इस जादू के कोट से एक एक रुपए के सिक्के निकलते हैं, ये बात मगन हवालदार और उन तीनों को पता चल गई है, इसीलिए हम इस कोट को कहीं छिपा देंगे। ठीक है, अब जेब से रुपया निकल के दिखा ना। हाँ। ये देख। पता है तुम्हारे सिक्कों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है, अब बंद भी करो निकालना। 1000 तो हो जाने दो। कितनी बुरी तरह से बांधा है ना रघु को। मगन मामा को चल के बोले? नहीं नहीं, हम खुद जाकर रघु को छुड़ाएंगे। कैसे? रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो हम चुपके से जाके रघु की रस्सियां काट देंगे। कौन है इस वक्त? सुनो कौन है? खबरदार, छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो। आवाज नहीं। अरे हेलो माय गोल्डन बॉय। आजा आजा। पीछे आने की कोशिश की तो चलो यहाँ की कैसे तो छट्टी हो जा रहा है। रघु कहाँ है? उसी को तो छुड़ा ना हमारा, वो भी भाग कर गया है। क्या? उसके पीछे 3 लोग पड़े हैं। वही तीनों होंगे। फिर चलो रघु। अरे चल, 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 रघु को, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को जगा दूंगी। अपने घर चली जा लड़की, वरना हम उसकी गर्दन उड़ा दें। वापस चली जा और खबरदार जो किसी को खबर दी तो। नहीं करूंगी। साथ मुझे जुखाम हो गया था तो मैं क्या कहता? जुखाम हो गया था तो उसी तुम्हारे नाक में जाना तो मैं क्लोरोफार्म की महक नहीं आई। मेरी नाक बंद थी जब मैं बाप की पहले कह रहा था बच्चे को बेहोश करने का काम मुझे सौंप। तुम्हें सौंप देता? अरे तुम क्लोरोफार्म सूंघ देते तो ऊपर चले गए होते, ये तो फिर भी बच गया। दिल का मरीज हो। अरे बागची बुरा लगा। ठीक है थोड़े दिनों बाद दे दूंगा। थोड़े दिनों बाद नहीं अभी। अच्छा आज तो रहने दे। देख अरे आ जाएगा। ओए ओए छोड़ने नहीं। ओए इसको छोड़ना नहीं। इतना कि नहीं। अरे अरे ये इसने क्या कर दिया? अरे अरे काजल मेरे कोट पर में बिकती, वो तीनों तो रोने लगे। खुदा नहीं कोट लेने? क्या मालूम, वैसे भी मेरे बिना वो कोट और किसी के काम नहीं आ सकता। वो कैसे? क्योंकि वो कोट जब तक मैं ना पहनूं तब तक उसमें से रुपया नहीं निकलेगा। अच्छा।